दोस्तों, अगर आप भी कप्तान रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पांचवे टेस्ट मैच के दूसरे दिन जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने मिलकर इंग्लैंड की नाक में दम कर दिया। एक के बाद एक कई चौके लगाकर अंग्रेजों की कमर तोड़ दी, जिसे देखकर केवल पूरा क्रिकेट जगत ही नहीं बल्कि टेनिस स्टार खिलाड़ी सानिया मिर्जा भी हैरान रह गई। और फिर उन्होंने अंग्रेजों का मजाक उड़ाते हुए इन दोनों खिलाड़ियों की न केवल जमकर तारीफ की बल्कि इंग्लिश टीम पर तंज कसते जो कहा, सुनकर तो आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो आखिर सानिया मिर्जा ने ऐसा क्या कह दिया इन दोनों खिलाड़ियों के लिए, जिससे सोशल मीडिया में खूब हाहाकार मचा हुआ है। कैसे कुलदीप और बुमराह ने अंग्रेजों को नचाया नाच, सब कुछ हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव में किसकी बल्लेबाजी शानदार लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा टेस्ट मुकाबला धर्मशाला के मैदान पर खेला जा रहा था। इस मुकाबले में इंग्लैंड टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी पहले करने का फैसला किया, लेकिन 218 रनों के स्कोर पर पूरी टीम सिमट गई। फिर जवाब में उतरे भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा तांडव मचाया कि रोहित और गिल ने तूफानी शतक ठोक दिया। कप्तान ने 103 रन बना डाले तो वहीं गिल ने 110 की बेमिसाल पारी खेली। तो उनके आउट होने के बाद इंग्लिश टीम का डेब्यूटेंट देवदत्त पडिक्कल और सरफराज खान ने सांस लेने का मौका नहीं दिया। दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने अर्ध शतक ठोके। पडिक्कल 65 रन बना गए तो सरफराज खान लगातार अपना इंटरनेशनल तीसरा अर्ध शतक जड़कर इंग्लैंड टीम को दिन में तारे दिखा दिए। लेकिन भारत का 428 रनों के स्कोर पर 8 विकेट गिर गया, जिसके बाद मैदान पर कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह इन दोनों बल्लेबाजों ने तो अपनी बैटिंग से अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। हर किसी ने सोचा था कि टीम इंडिया आज ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन सभी की सोच पर पानी फिर गया। जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने इन दोनों बल्लेबाजों से मिलकर 40 रनों से अधिक की पार्टनरशिप पूरी कर ली और टीम इंडिया के स्कोर को दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 120 ओवर में 8 विकेट पर 473 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों की बेहतरीन बल्लेबाजी देखकर केवल पूरा क्रिकेट जगत ही नहीं हैरान था बल्कि टेनिस स्टार खिलाड़ी सानिया मिर्जा भी बेहद खुश नजर आई। इन्होंने तो तारीफ के कसीदे पढ़कर हर किसी का दिल जीत लिया। तो चलिए अब हम आपको सानिया मिर्जा के बयान को सुनाते हैं, क्या कुछ उन्होंने कुलदीप और बुमराह के लिए बयान देते हुए कहा है। सानिया मिर्जा ने कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह की बल्लेबाजी पर बयान देते हुए कहा है कि भारतीय बल्लेबाजों ने तो बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया ही दिखाया, वहीं गेंदबाजों ने भी अपनी बैटिंग से हर किसी का दिल जीत लिया। जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव की मैं जितनी तारीफ करूं कम है। इन दोनों खिलाड़ियों ने गेंद के साथ साथ बल्ले से भी जबरदस्त कमाल दिखा रहे हैं। मैं तो इन दोनों की बल्लेबाजी की बहुत बड़ी फैन हो चुकी हूँ। कुलदीप यादव तो पिछले मैच में भी बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखाया था और इस अंदाज में इस मैच में भी देखने को मिला। बुमराह ने तो लाजवाब कई मौके भी लगाए, वो देखकर मैं पूरी तरह से चौंक गई। मुझे नहीं मालूम था कि बुमराह बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, लेकिन हर किसी का दिल जीत लिया। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से सानिया मिर्जा ने कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह के लिए तारीफ के कसीदे पढ़कर हर किसी को हैरान कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस टेस्ट मैच में रोहित शर्मा, शुभमन गिल या फिर सरफराज खान किसे मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, धर्मशाला के मैदान पर दूसरे दिन रोहित और शुभमन गिल के तूफानी शतक के बाद सरफराज खान और पडिक्कल ने अपने बल्ले की दहाड़ लगाकर तोड़ दी अंग्रेजों की कमर। तो फिर जडेजा और ध्रुव ने उड़ाए अंग्रेजों के परखच्चे। तो आखिर कैसे दूसरे दिन ही जीत की कगार पर पहुंचा भारत, कितना बन गया टीम इंडिया का स्कोर, कौन कौन से बल्लेबाजों ने लगाए शतक और अर्ध शतक, कौन से दो खिलाड़ी हैं मैदान पर, कौन सी टीम है किस पर हावी, ये सब कुछ तो हम आपको अब तक के मैच की पूरी हाईलाइट में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित और शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवें टेस्ट मुकाबला धर्मशाला के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन कुलदीप यादव की फिरकी और अश्विन की करिश्माई जादुई गेंदबाजी से इंग्लैंड की पूरी टीम केवल 57.4 ओवर में 218 रनों पर ऑल आउट हो गई। इसके बाद भारतीय टीम पहली पारी खेलने के लिए मैदान पर उतरी। पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 30 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 135 रन बना लिए थे। रोहित शर्मा 52 बनाकर मैदान पर टिके हुए थे, तो वहीं उनके साथ शुभमन गिल 26 रन बनाकर दे रहे थे। लेकिन यशस्वी जायसवाल अर्धशतकीय पारी खेलकर पवेलियन लौट चुके थे। दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो एक बार फिर रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर उतरे। रोहित शर्मा चौके छक्के लगाए जा रहे थे, वहीं उनकी बल्लेबाजी देखकर शुभमन गिल का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। शोएब बशीर को शुभमन गिल ने जमकर धो दिया। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। साथ ही दोनों ने अपने पहले अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की। उसके बाद मैदान पर तांडव मचाकर शतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। साथ ही शुभमन गिल ने भी अपना अर्धशतक ठोक दिया। बेहद खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रोहित और शुभमन गिल ने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 44 ओवर में 200 रनों तक पहुंचा दिया। पहला सेशन टीम इंडिया के नाम होता हुआ दिख रहा था। ये दोनों बल्लेबाज घातक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, धीरे धीरे बड़ी पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहे थे। पलक झपकते इन दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के द्वारा दिए गए लक्ष्य को हासिल कर लीड की तरफ बढ़ने लगे। 50 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 1 विकेट पर ही 230 रन हो चुका था। इसके बाद तो ये दोनों बल्लेबाज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर गए और दोनों खिलाड़ी अपने शतक के बेहद करीब आ गए। टीम के लिए
56वां ओवर फेंकने आए टॉम हार्टली की दूसरी गेंद पर रोहित ने शानदार चौका लगाकर अपने शतक से केवल एक रन दूर थे। वहीं शुभमन गिल भी केवल अपने शतक से 9 रन और दूर थे। भारतीय टीम 33 रनों की बढ़त हासिल कर चुकी थी। टीम के लिए 58वां ओवर फेंकने आए टॉम हार्टली की अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा ने बेहतरीन सिंगल लेकर अपना शतक ठोक दिया, जिसके बाद तो भारतीय खेमा खड़े होकर इस खिलाड़ी के लिए तालियां बजाने लगा। ठीक उसी के अगले ही ओवर में पहली गेंद पर ही शुभमन गिल ने शानदार चौका जड़कर अपने भी शतक पूरा कर लिया। लंच ब्रेक तक टीम इंडिया का स्कोर 60 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 264 रन बन चुका था। एक बार फिर रोहित और शुभमन गिल लंच ब्रेक के बाद मैदान पर उतरे। टीम इंडिया 46 रन की लीड भी ले चुकी थी। विकेट की तलाश में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स आते ही अपने ओवर की पहली गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को 275 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। 171 रनों की लंबी पार्टनरशिप रोहित और गिल के बीच टूट गई, लेकिन अब मैदान पर गिल का साथ देने के लिए डेब्यूटेंट खिलाड़ी देवदत्त पडिक्कल आए, लेकिन तब तक शुभमन गिल इस खिलाड़ी का साथ छोड़कर 62.2 ओवर में एंडरसन की गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को लंच ब्रेक के बाद दो लगातार झटके लग गए। दूसरे सेशन में इंग्लैंड टीम वापसी करती नजर आ रही थी, लेकिन एक तरफ से भारत के लिए दो नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके थे। सरफराज खान देवदत्त का भरपूर साथ निभा रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम की पारी को संभाला और 300 रनों के पास पहुंचा दिया। साथ ही साथ दोनों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की। टीम इंडिया दूसरे सेशन में भी इंग्लैंड पर हावी नजर आने लगी। टी ब्रेक तक टीम इंडिया ने 84 ओवर में 376 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। सरफराज खान अर्धशतक लगाकर मैदान पर खेल रहे थे। टी ब्रेक के बाद एक बार फिर सरफराज खान और देवदत्त पडिक्कल मैदान पर उतरे। वहीं टीम की तरफ से ओवर लेकर आए हुए बशीर, उन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद पर सरफराज खान को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को चौथा बड़ा झटका लग गया। सरफराज खान 56 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर देवदत्त पडिक्कल का साथ देने के लिए रविंद्र जडेजा आ गए। टीम इंडिया 168 रनों की बढ़त हासिल कर चुकी थी। तीसरा सेशन शुरू होते ही इंग्लैंड हावी नजर आने लगी। टीम इंडिया धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाने लगी। भारत का स्कोर 91 ओवर में 400 रन पहुंच गया, लेकिन टीम के लिए 93 ओवर फेंकने आए तो एक बशीर ने इस बार भी अपने ओवर की पहली गेंद पर देवदत्त पडिक्कल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम का 403 रनों के स्कोर पर 5वां विकेट गिर गया। अब जडेजा का साथ देने मैदान पर ध्रुव जुरेल आ गए। 95 ओवर एक टीम इंडिया ने 411 रन बड़ी आसानी से बना लिए थे, साथ ही 192 रनों की बढ़त भी हासिल कर ली थी। इसके बाद भी टीम इंडिया की घातक बल्लेबाजी जारी रही। पूरी तरह से टीम इंडिया इस मैच में इंग्लैंड पर हावी नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में से किसे मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो सरफराज खान ने रोहित शर्मा के अंदाज में मार्क वुड को जड़ाया ऐसा छक्का और अर्धशतक, जिसे देखकर स्टेडियम में बैठी उनकी पत्नी से लेकर कप्तान रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी हर कोई हैरान रह गए। सभी ने दिया सरफराज खान के छक्कों पर हैरान कर देने वाली रिएक्शन। तो आखिर कैसे सरफराज खान ने जड़ दिया दुनिया का सबसे लंबा छक्का, कैसे रोहित के अंदाज में मार्क वुड की गेंद पर जड़ा रोंगटे खड़े कर देने वाला छक्का, कैसे रहा इस छक्के पर उनकी पत्नी से लेकर रोहित धोनी का रिएक्शन, सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सरफराज खान और यशस्वी जायसवाल में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, धर्मशाला के मैदान पर 5वें मैच के दूसरे दिन जब कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल भी शतक लगाकर पवेलियन लौट गए, तो दो नए बल्लेबाज सरफराज खान और देवदत्त पडिक्कल बल्लेबाजी कर रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। जिस रफ्तार में रोहित और गिल ने टीम की पारी को बढ़ाया, उसी रफ्तार से दोनों खिलाड़ी भी रन बना रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अर्धशतक की साझेदारी पूरी कर ली। इसके बाद भी दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया।